वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश, दोस्तों मैं आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप ढंग से याद करके जाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन के ऐसे बन के आ सकता है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आप बता सकते हैं शेरपा, तेनजिंग और नॉर्के तथा सर एडमर्ड हेलेरी जो थे, वो यानी प्रथम व्यक्ति थे जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो आप बता सकते हैं श्रीमती जुनको तेवई जो थी, वो यानी कि महिलाओं में सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एवरेस्ट शिखर पर 6 बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं शेरपा आंग रीता, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट पियरी जो था, वो यानी कि प्रथम उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं एम सनस जो थे, यानी कि वो यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं मैगलेन जो थे, वो यानी कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं सिकंदर था, इसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आप बता सकते हैं मार्को पोलो जो थे, वो यानी कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, समस्त चैनल स्ट्रेट आदि को पार करने वाला कौन था? तो आप बता सकते हैं मेहर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, विंबलडन सिंगल ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम नीग्रो कौन था? तो आप बता सकते हैं यानी कि आर्थर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं विल्सन जोन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं मेहर सेन था, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बता सकते हैं लॉर्ड विलियम बेल्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? तो आप बता सकते हैं लॉर्ड कैनिंग जो थे, वो यानी कि प्रथम वायसराय और गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो आप बता सकते हैं यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो आप बता सकते हैं बहादुर जफर जो थे, वो यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, प्रशासन पर विशेष ध्यान देने वाला मुस्लिम बादशाह कौन था? तो आप बता सकते हैं शेर शाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बता सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो आप बता सकते हैं एपी सिन्हा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम भारतीय FRS कौन थे? तो आप बता सकते हैं ए करसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं सत्यनाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं यूरी गागरिन जो थे, वो यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं राकेश शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप बता सकते हैं बेलेंटिना तेरेसकोवा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं एलेक्सी नियोनोव
ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन क्या आ सकता है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो आप बता सकते हैं, यानी कि वाइकिंग फर्स्ट, ये यानी कि ऐसा था जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, सबसे कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो आप बता सकते हैं, बाबू छिरी शेरपा नेपाल, यानी कि 21 मई 2000 में इन्होंने सबसे कम समय में रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो आप बता सकते हैं, टेनिस टीको, ये आपका राइट होगा, जो कि 6 मई 2001 में यानी कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर पहुंचने वाला छात्र कौन था? तो आप बता सकते हैं, तेम्बा त्शेरी जो थे वो यानी कि 15 वर्ष की आयु में नेपाल के छात्र हैं, और वो यानी कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर पहुंचने वाला छात्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आप बता सकते हैं, सुनीता विलियम्स, ये जो थी वो यानी कि सबसे अधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पर्यटक कौन है? तो आप बता सकते हैं, महिलाओं में यानी कि अनुषेह अंसारी जो है वो यानी कि प्रथम महिला पर्यटक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति कौन है? तो आप बता सकते हैं, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन वन के आ सकता है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आप बता सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो यानी कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेट ब्रिटिश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बता सकते हैं, रॉबर्ट बालपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बता सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो यानी कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, विश्व में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप बता सकते हैं, श्रीमती सिरमाओ भंडार नायके जो थी वो यानी कि विश्व की पहली ऐसी महिला थी जो कि वो प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप बता सकते हैं, अर्जेंटीना की थी, जो कि इनका नाम था इसाबेल पेरो, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन क्या आ सकता है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह यानी कि कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, स्पुतनिक फर्स्ट, ये यानी कि उपग्रह यानी कि सबसे पहला ये कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो यानी कि पहले चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप बता सकते हैं, आरती शाह थी, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, टार्टेनिलीज पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं, मेहर सेन था। नेक्स्ट आ सकता है, पाक स्टेट की तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं, बैद्यनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्ति होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो आप बता सकते हैं, किरण बेदी जो थी वो भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ सकता है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, स्वीडन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले यानी कि कौन थे सबसे पहले? यानी कि सचिन तेंदुलकर, जो कि आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन क्या आ सकता है, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति की इच्छुक मृत्यु का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो कहां पर किया गया है, यानी कि नीदरलैंड में, जो कि हॉलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? यानी कि स्वीडन है, जो कि आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट रोफिया को नागरिकता देने वाला देश कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, यानी कि रोबोट जो है यानी कि उसको नागरिकता देने वाला देश है सऊदी अरब, ये आपका राइट होगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके इन क्वेश्चनों के बारे में और वो यानी कि अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और आप परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।